हेलो फ्रेंड्स, बेटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईटीआई में होने वाले ट्रेड प्रैक्टिकल के बारे में कि हम ट्रेड प्रैक्टिकल में किस तरीके से हम अपने प्रैक्टिकल को बनाएंगे और उसकी कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे, ये हम आज आपको बारी बारी से बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल को बनाएंगे। पहले तो बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये एग्जाम में पेपर में मिलेगा कि ये डक्टाइल फिटिंग बनाइए। ये जो चित्र मैंने बनाया है इस तरीके का एक फिगर बना होगा और इसमें 20 mm 20 mm 30 50 100 ये सारा कुछ लिखा होगा और इसको लिखा होगा कि इस प्रकार का जॉब जो है आप अपने प्रैक्टिकल में बनाइए। और इस फिटिंग को हम डक्टाइल फिटिंग कहते हैं क्योंकि ये डक्टाइल बना हुआ है, नीचे जो ग्रुप बना हुआ है इसे हम डक्टाइल फिटिंग कहते हैं। तो इस प्रैक्टिकल को हमें कैसे बनाना है, तो आपको एक माइल्ड स्टील का एक पीस मिलेगा, जो पीस मैंने इधर बनाया है। इस पीस की थिकनेस जो रहेगी 10 mm थिकनेस रहेगी, जो लंबाई रहेगी, देखिए ये लंबाई जो 100 mm है तो ये लंबाई भी 100 mm रहेगी इसकी, 100 mm इधर से, और देखिए ये 50 है तो ये 50 रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको इसकी दो भुजाओं को इस भुजा और इस भुजा को हमें 90 डिग्री पर फिनिश करना है। 90 डिग्री में फिनिश करने के बाद क्या है, इसमें ट्राई स्क्वायर से हम इसको चेक कर लेंगे कि 90 डिग्री में ये फिनिश है कि नहीं। तो हमने इसको 90 डिग्री पे बना लिया। इसके बाद हमें इसमें मार्किंग करना है। तो मार्किंग करने के लिए यदि किसी ब्लैक जॉब पर कोई ब्लैक जॉब होता है तो उस पर हम जब लाइन खींचेंगे स्क्राइबर से तो हमें लाइन दिखाई नहीं देती अच्छे से। तो जब लाइन हमें दिखाई नहीं देती तो इसके ऊपर हम एक सफ़ेद रंग का पेस्ट लगा देते हैं जिसे हम चॉक पाउडर कहते हैं। तो चॉक पाउडर को एक डिब्बे में घोल करके उस पर ब्रश से इसके ऊपर हम सफ़ेद रंग का पेस्ट लगा देंगे। सफ़ेद रंग के पेस्ट लगाने से क्या होगा कि जो लाइन हम खींचेंगे वो हमें अच्छे से दिखाई देगी। तो हमें इसके ऊपर पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद उसको पेस्ट को सूखने देंगे। अब सूखने देने के बाद हम मार्किंग किस तरीके से करेंगे, इस भुजा को हमने फिनिश किया है 90 डिग्री पर, इस भुजा को फिनिश किया है तो हम मार्किंग कैसे करेंगे। देखिए इधर से इधर तक भी 20 mm दिया गया है तो इधर से इधर तक हम 20 mm का एक निशान लगाएंगे। इधर से इधर तक 20 mm, ये 20 mm का हम एक निशान लगाएंगे, इधर से 20 का, इधर से और इधर से 20 का निशान लगाएंगे। इसका देखिए ये 30 है तो जब ये 30 है तो ये पूरा 50 है, तो 30 में से 30 हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा 10 बचा, ये 10 बचा। तो ये 10 पे हमें निशान लगाना है, इधर से 10 पर एक निशान लगाना है। इसमें ये गहराई भी दी जाएगी, इसकी जो गहराई होती है गहराई भी दी जाएगी, जो इसमें मैंने नहीं लिखी है। जैसे इसकी गहराई मैं लिख देता हूँ 15 गहराई है तो हम इधर पे क्या करेंगे, 15 पर इधर से 15 पर एक लाइन खींच देंगे, 15 पर एक लाइन खींच देंगे हम लाइट लाइन। तो हम ये 15 की लाइन खींच दी। अब 15 पर ये जब हमारा 30 है तो ये 10 ही हो गया, 10 इधर का ही हो गया, तो 10 पर एक निशान लगाएंगे 10 का इधर से और एक इधर से 10 का निशान लगाएंगे। और फिर इसको जाके हम इसको ऐसे और इसको ऐसे हम मिला देंगे। जो लाइट लाइन हमने इसलिए लगाई गई थी लाइट लाइन ताकि इस पर हम ये दिखा सकें, तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये लाइट लाइन लगी हुई थी 10 mm की। तो ये जो गहराई रही इसे इधर से इधर तक 15, क्योंकि इधर अब इधर से हमने 15 mm लिया था क्योंकि इसकी गहराई जो है 15 mm है। अब इसको हमें कट करना है तो किस तरीके से हम इसको काटेंगे, हम इधर से हेक्सा ब्लेड से इधर से निशान लगाएंगे, इधर से ऐसे निशान लगाएंगे तो इधर तक कट कर देंगे। तो ये हिस्सा इतना कट जाएगा इधर से इतना, तो इसके बाद इधर से हम हेक्सा ब्लेड से इधर से काटेंगे तो इधर से कट जाएगा। लेकिन ये पीस अलग नहीं हुआ तो चाहे तो हम इधर चेन ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, इधर उधर चेन ड्रिलिंग करके इधर से हेक्सा से भी काट सकते हैं। या इसमें चाहे तो हम इसको जब हमने ऐसे ऐसे कट लगाया था तो हम चाहे तो इधर से इसको ऐसे कट करके करेंगे तो इधर से पीस निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पीस को इस तरीके से निकाल सकते हैं दो ड्रिल होल करके। तो दो ड्रिल होल करने के बाद ये हमारी चेन ड्रिलिंग से हमारा डक्टाइल ग्रुप बन जाएगा। अब हमें ऊपर का पीस बनाना है, कैसे बनाएंगे तो हम ऊपर देखिए ये किनारे से 10 mm है तो ये किनारे से हम 10 mm का इधर से निशान लगाएंगे इधर पर, और इधर से 10 mm का निशान लगाएंगे इधर पर। अब ये 90 डिग्री में लाइन है तो हम ट्राई स्क्वायर से 90 डिग्री में एक लाइन खींच देंगे ऐसे और ऐसे। अब 90 डिग्री में हमने लाइन खींची। अब इसकी गहराई देखिए, इसकी जो गहराई नहीं दी गई है इसमें मैं लिख देता हूँ, ये सारा आपको एग्जाम में मिलेगा। ये 10 mm गहराई तो हम 10 mm का एक कट लगाएंगे इधर, 10 mm का एक कट लगाएंगे इधर और इधर से इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा जो पीस है ये भी कट के हमें निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम चाहें तो इधर से इधर पे एक हेक्साइन से ऐसे हेक्सा से कट लगा सकते हैं इधर से आमने सामने इधर पे, और एक हेक्सा से कट लगा सकते हैं इधर से
तो इससे क्या होगा, ये पीस हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वो ये किनारे से हम वर्टिकल में लगा देंगे तो ये पीस भी निकल जाएगा, ये पीस भी निकल जाएगा, तो हमारा इतना वाला पोर्शन अकेला हमारा बचेगा, जो मैं मिटा के आपको बता देता हूँ कितना पोर्शन बचेगा, इतना ये हमारा ट्रेंगुलर जॉब बचेगा, इतना पीस हमारा नहीं निकल पाएगा। तो इसको चाहो तो आप फाइलिंग करके भी हटा सकते, इसी तरीके से हम इधर भी कर सकते थे। इधर से हम हेक्सा चलाएंगे तो इसको सीधे इधर तक चलाएंगे, तो इधर से हम हेक्सा चलाएंगे तो इसको सीधे हम इधर से चलाएंगे, तो इससे क्या होगा हमारा ये इसको हम ऐसे हेक्सा चला देंगे और फिर ऐसे हेक्सा चला देंगे, तो इससे क्या होगा हमारा ये सारा मटेरियल हट जाएगा, ये पूरा मटेरियल हट जाएगा इससे, इतना केवल ये इतना मटेरियल हमारा बचेगा। तो इस मटेरियल को हम रफ फाइल से पहले रफ फाइल से घिसेंगे, इस मटेरियल को जो इतना कॉर्नर बचा हुआ है, रफ फाइल से घिसने के बाद हम इसको फिनिश फाइल से फिनिश करेंगे, क्योंकि जो हेक्सा से जो भी कटिंग होती है इसकी दीवारें उतनी अच्छी नहीं बनती है, तो हम फिनिश फाइल से इसको करते हैं। फिनिश करने के बाद इस तरीके से हम ये मार्किंग जो है करके इसको जॉब को कटिंग कर सकते हैं हेक्सा द्वारा और फाइल से फिनिश कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो लिखना हमें कैसे है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे इसका जो आता है उद्देश्य आता है, उद्देश्य आप ये इस तरीके से लिखोगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे और आप आईटीएम बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। उद्देश्य में हमें लिखना है क्या उद्देश्य था, अभी अभी मैंने बताया था ये उद्देश्य जो था डफटेल फिटिंग बनाना, तो इधर लिखेंगे हम दिए गए जॉब में डफटेल फिटिंग बनाना, इस तरीके से अपन को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले उद्देश्य में हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्यों ये सारा काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारा रहेगा मटेरियल, तो मटेरियल में हमें किस तरीके से लिखना है मटेरियल, तो मटेरियल में लिखना है एम एस फ्लैट, क्योंकि ये जो हमें ये पीस मिलेगा चौको टाइप का वो फ्लैट पीस मिलेगा, तो हमें लिखना है एम एस फ्लैट 100 × 50 × 10 mm। इसका मतलब 100 mm इसकी लंबाई है, 50 mm इसकी चौड़ाई है, 10 mm इसकी मोटाई है, ये तीन हो गया। तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे हमारे आएगा कार्यविधि, कार्यविधि में हमने क्या क्या काम किया है, उस कार्यविधि में हमें लिखना है, एक तरफ काम लिखना है, इस तरीके से हमें पार्टीशन कर लेना है, दो पार्टीशन करना है। किस तरीके से मैं इधर ऊपर दिखा दूँ, जैसे एक लाइन बीच में खींचेंगे मैं इधर दिखा देता हूँ आपको कार्यविधि, कार्यविधि में जैसे हमारा पेपर रहेगा, ये मटेरियल का मैंने इधर बता दिया है, मैं कार्यविधि इधर बता देता हूँ। एक पेपर के हमें दो टुकड़े करने हैं इस तरीके से लाइन खींच करके, लाइन खींच करके हम दो भाग करेंगे, तो एक तरफ लगेंगे हम कार्यविधि और एक तरफ लगेंगे हम टूल, इससे थोड़ा सा अलग हमारे जो एग्जामिनर चेक करेगा उसे थोड़ा अलग इफेक्ट आएगा। पहले आगे लिखना कार्यविधि और दूसरे नंबर पर लिखना टूल, सबसे पहले नंबर, जैसे हमने सबसे पहले जो हमारा एक पीस था, इस पीस में इस चौकोर पीस हमें मिला था जॉब बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमने उसमें जैसे ये था तो हमने इसमें सबसे पहले मार्किंग मीडिया लगाया था और 90 डिग्री पे भुजाएं फिनिश की थी। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे दो भुजाओं को 90 डिग्री में फिनिश किया, और इधर लिखेंगे हम फायर एवं ट्राई स्क्वायर, फायर प्लस ट्राई स्क्वायर, ये टूल के नाम। दूसरे नंबर में लिखेंगे मार्किंग मीडिया लगाया क्योंकि उसके ऊपर, तो इधर लिखेंगे मार्किंग मीडिया प्लस ब्रश, ये लिखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे हमने सूखने के बाद मार्किंग की, तो मार्किंग करने के लिए हम स्क्राइबर का और रूल का उपयोग करेंगे, तो इधर लिखेंगे मार्किंग की, मार्किंग की, और इधर मार्किंग हम क्या यूज करेंगे स्टील रूल प्लस स्क्राइबर। इसके बाद चौथे नंबर पे आएगा फिर हमें इसकी मार्किंग करने के बाद मार्किंग को पक्का करना है, तो हमने मार्किंग को पक्का किया, चौथे नंबर पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम पंच एवं हैमर, पंच प्लस हैमर, हैमर का उपयोग करना पड़ेगा। इसके बाद आएगा हमारा पांचवा नंबर, फिर हम हेक्सा से उसकी कटिंग करेंगे, तो इधर लिखेंगे कटिंग की, कटिंग की, और कटिंग करते समय दोस्त आपको ध्यान रखना है कि कटिंग में हमें थोड़ा प्लस लेके चलना है, क्योंकि अगर आप बराबर बराबर बिल्कुल कटिंग कर दोगे तो फाइल से फिनिश कैसे करोगे। तो ये 20 है तो हम 20.5 mm इसको प्लस लेके चलेंगे, तो जो हमारा प्लस में 0.5 रहेगा वो जो हम फाइल से घिसेंगे तो उससे सही आ जाएगा। तो हमने कटिंग की, तो इधर लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड, हमें ऐसा लिखना है हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड, इस तरीके से हमें लिखना है। इसके बाद आने के बाद, इसके बाद हमें उसको फिनिश करना है, तो हमने जॉब को फिनिश किया, और इधर लिखेंगे हम फाइल, फाइल का चाहो तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, जैसे हम फ्लैट फाइल सेकेंड कट, सेकेंड कट 300 mm, तो आप चाहो तो उसकी लंबाई भी इधर लिख सकते हो, पूरा फाइल का नाम अगर आपको नहीं आ रहा तो फाइल भी लिख सकते हो, और फाइल में आप चाहो तो रफ एंड स्मूथ, क्योंकि रफ फाइल से आप जल्दी जल्दी इसको हटाओगे और स्मूथ फाइल से थोड़ा स्मूथनेस लाओगे। इसके बाद सातवें नंबर पे जब हमने फाइल को फिनिश कर लिया, फाइल से फिनिश कर लिया इसको,
सब सारा, तो इसके बाद ये 6 नंबर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसी में 6 नंबर हो सकती है, किसी में 7 नंबर हो सकती है। जब ये कार भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा जॉब होगा तो उसमें 7-8 नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 6 नंबर आ रहे हैं। इसके बाद आप जो 3 नंबर में मैं बता रहा हूँ तो कार्यविधि, जो 4 नंबर में सावधानी आएगी, इधर हमें सावधानी भी लिखना पड़ेगी सबसे आगे जाके 4 नंबर पे। तो जो सावधानी हमारी आएगी, तो उसमें सावधानी में जो जो टूल आपने यूज किए हैं, जैसे फाइल का यूज किया तो इधर हम लिख सकते हैं कि बिना हैंडल वाले फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, 1 नंबर में आप लिख देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे कि अपन ने हैमर का उपयोग भी किया तो हैमर को अच्छे से चलाना चाहिए, ढीले हैंडल वाले हैमर का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमने स्क्राइबर का उपयोग किया तो स्क्राइबर को सावधानी से उपयोग करना चाहिए, 3 नंबर में हम लिख देंगे। तो इस तरीके से 4-5 नंबर हम लिख देंगे। मार्किंग मीडिया जो हमने लगाया था उसको भी लिख सकते हो, जब तक मार्किंग मीडिया सूख ना जाए तब तक हम इसका उपयोग नहीं, इसके ऊपर मार्किंग नहीं करेंगे। तो ये जो जो हमने इस टूल का यूज किया उनका सावधानी में लिख देंगे। और सबसे जो लास्ट में 5वां नंबर आएगा, 5वां नंबर में आएगा बनाए गए जॉब को लिखेंगे, बनाए गए जॉब को 5वें नंबर में लिखेंगे हम, बनाए गए जॉब को चेकिंग के लिए प्रस्तुत किया। तो आप 5 पॉइंट ध्यान कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट था उद्देश्य, उद्देश्य में दिए गए जॉब में डक्टाइल फिटिंग बनाना। दूसरे नंबर पे है हमारा मटेरियल एमएस फ्लैट और उसका साइट। तीसरे नंबर पे हमारा आया कार्यविधि, कार्यविधि में एक तरफ कार जो जो काम कर रहे वो और दूसरी तरफ टूल का नाम। चौथे नंबर पे आया सावधानी, जो जो टूल का हम यूज कर रहे हैं उसकी सावधानी लिखना है आपको एक एक करके बिल्कुल पूरी, कि कैसे क्या हमें हैमर चलाना है तो कहाँ देखना है, या ये जो फाइल का यूज कर रहे हैं तो फाइल का यूज कैसे करना चाहिए। तो जो जो सावधानी रहती है ये थ्योरी में मैंने आपको बताया है। इसके बाद लास्ट में हमें एक पॉइंट जरूर लिखना है, बनाए गए जॉब को चेकिंग के लिए प्रस्तुत किया। तो दोस्त इस तरीके से यदि आप पूरा लिखोगे तो अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो आप कल जाके पेपर दीजिए और ड्राइंग के अनुसार से मार्किंग कीजिए अच्छे से और बनाइए। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।